खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। बीजेपी सदर और पार्टी में मोदी के बाद नंबर दो अमित शाह ने एक साल होने पर सरकार की हुसूलियाबियां गिनाई, लेकिन उन्होंने राम मंदिर और आर्टिकल 370 के इशू पर यू टर्न ले लिया। अमित शाह ने कहा कि जब तक बीजेपी को 370 सीटें नहीं मिल जाती तब तक ऐसा कोई भी इशू हल नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि इससे पहले भी काले धन के मामले पर वो यू टर्न ले चुके हैं। क्या बीजेपी का यही असली चेहरा है? इसके अलावा हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की। केजरीवाल खुलकर मरकजी हुकूमत से दो दो हाथ करने के मूड में हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर-ए-आला मनीष सिसोदिया ने मरकजी हुकूमत के नोटिफिकेशन के खिलाफ दिल्ली असेंबली में एक तजवीज पेश की है। उम्मीद की जा रही कि आम आदमी पार्टी की सरकार वजारत दाखला के नोटिफिकेशन के खिलाफ असेंबली में तजवीज पास कर सकती है। वहीं दिल्ली असेंबली में बीजेपी के रुकन असेंबली ने हंगामा किया। क्या इस तरह के टकराव से आईनी बुहरान पैदा नहीं होगा? इन्हीं दोनों मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजवियाकार जनाब सिराज नकवी साहब। आप कालमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ जब अमित शाह के सिलसिले में बात कर रहे होंगे कि मुसलसल वो यू टर्न लेते आ रहे हैं बहुत सारे अहम इश्यूज पर, उसके तमाम पहलुओं पर बातचीत में हमारे साथ बीजेपी के लीडर और तर्जुमान राजीव बब्बर साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे, और कांग्रेस के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन डॉक्टर नासिर हुसैन भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे, और दरमियान में और भी कई लीडरान हमारे साथ बातचीत में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। मोदी सरकार के एक साल पूरा होने पर बीजेपी सदर अमित शाह ने मोदी सरकार की खूबियां गिनाई और कांग्रेस की गुज़श्ता यूपीए सरकार पर करारा वार किया। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि पहले मुल्क की हुकूमत पर मुल्क के अवाम को यकीन नहीं था, मुल्क के पीएम को मुल्क की कैबिनेट पर भरोसा नहीं था और मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को पीएम पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। एक साल में मोदी सरकार का बेदाग रहना मरकजी हुकूमत की बड़ी हुसूलियाबी है। अमित शाह ने कहा कि इक्तिसादी महाज और गैर मुल्की पॉलिसी के मामले में भी मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार मुल्क के गरीबों के नाम है और मुल्क के गरीबों को समाजी तहफ्फुज देने का काम कर रही है। सरकार के कामकाज के इवैल्यूएशन के कई तरीके होते हैं। कोई आंकड़ों से करता है, कोई सिद्धियों से करता है, मगर मैं मानता हूं कि सरकार की प्रमुख सिद्धि अगर कोई है तो इस देश में से विश्वास के संकट को कि जो हुआ था उसको इस सरकार ने समाप्त कर दिया। पहले देश की सरकार पर देश की जनता को भरोसा नहीं था कि सरकार देश को कहां पर ले जाएगी, देश के प्रधानमंत्री पर देश की कैबिनेट को भरोसा नहीं था और ब्यूरोक्रेसी को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं था। आज वो विश्वास का संकट टल गया है। दुनिया भी बड़े भरोसे से, आनंद और आश्चर्य से भारत की प्रगति को देख रही है, उसको एक्नोलेज कर रही है, और हर क्षेत्र में इस सरकार ने नई नई पहल की है और परिणाम भी पाए हैं। ये सरकार विजिबल सरकार रही है। पहले सरकार को ढूंढना पड़ता था, कई दिनों तक आप लोग पुकार लगा रहते थे भाई सरकार कहां है, तब जाकर एक आधा स्टेटमेंट कहीं कोई कोने से आता था। अब शायद मीडिया से भी आगे सरकार प्रोएक्टिव होकर जनता की दिक्कत के समय में जनता के साथ खड़ी दिखाई पड़ती है। सहाफियों के सवालों के जवाब में बीजेपी सदर अमित शाह ने कहा कि हमारा
दिल्ली सरकार से कोई टकराव नहीं, ये आईन से जुड़ा मामला है जिसे कोर्ट दूर कर सकता है। राम मंदिर और आर्टिकल 370 के इशू पर पूछे सवाल पर अमित शाह ने कहा कि जब तक बीजेपी को 370 सीटें नहीं मिल जाती तब तक ऐसा कोई इशू हल नहीं किया जा सकता। मैं विजय त्रिवेदी हूं न्यूज नेशन से। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, लेकिन 1998 से 2004 तक जब वाजपेयी जी की गठबंधन सरकार थी तो पार्टी हमेशा ये कहती थी कि ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन का धर्म निभाने के लिए वो पार्टी के जो कोर इश्यूज हैं उनको अलग रख रही है, जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा तब वो करेगी। आज अमित शाह जैसे अध्यक्ष के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए पार्टी को बहुमत मिला, स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आप कोर इश्यूज पर कब आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है, आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब, और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं बीजेपी लीडर राजीव बब्बर साहब। राजीव बब्बर साहब, अमित शाह साहब कहते हैं कि सिर्फ मेजोरिटी मिलने से नहीं ऐसे इश्यूज हल किए जा सकते हैं। राम मंदिर के इशू पर, आर्टिकल 370 के इशू पर उन्होंने बोला, इससे पहले भी वो यू टर्न ले चुके हैं। काले धन के मामले पर उन्होंने कहा कि ये तो चुनावी जुमला था, और राम मंदिर के इशू पर, फिर आर्टिकल 370 पर, ऐसे इश्यूज को हल करने के लिए 370 सीटें चाहिए पार्लियामेंट में, तभी होगा। क्या है ये मामला, क्यों ये बार बार यू टर्न ले रहे हैं, क्यों कहीं ना कहीं से ये जो जिस मामले पर वो जीत के आए हैं आवाम को जो भरोसा दिला के हैं ये यकीनन उससे धोखा भी तो है। नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं है। देखिए, आप पहले एक चीज बात को समझिए, उन्होंने बात जो आपको बोली वो आज टेक्निकल बात बोली। अगर हमें राम मंदिर और धारा 370 को हटाना है, राम मंदिर बनाना है और धारा 370 अगर हमें हटाना है, तो ये बात सही है कि हमको दो तिहाई से ज्यादा बहुमत चाहिए। ये एक टेक्निकल चीज है जो सबको पता है, उन्होंने वो देश को सामने रखा है। इसमें कहीं ये नहीं कहा कि बीजेपी ने अपना स्टैंड धारा 370 पे बदल दिया है या बीजेपी ने अपना स्टैंड राम मंदिर पे बदल दिया है। तो पहले तो ये बिल्कुल आप क्लैरिटी से समझ लीजिए। जहां तक आपने अभी काला धन पे जो जुमले की बात कही, अमित शाह जी 10 बार इस बात की सफाई दे चुके हैं और उन्होंने उसको बताया कि जब आप किसी काम को करते हो तो आप जब किसी फिगर को देते हो तो एक प्रिजम्पशन के तौर पे एक फिगर बताते हो और उसको उस तरीके से कहा जाता है। उन्होंने काले धन के बारे में भी अपना स्टैंड नहीं बदला। मुझे लगता है कि हम, लेकिन काले धन पर स्टैंड तो बदला राजीव बब्बर साहब, 100 दिन का वादा था, वो 100 दिन कब के निकल गए? देखिए, मेरी बात समझिए, आप सरकार बनते ही किसी ने इस देश पर अगर काला धन पर SIT बनाई तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई और तुरंत बनाई। दूसरी बात आप और जान लीजिए, आज जो नए कानून बना दिए गए उसको भी तो आप कुछ क्रेडिट देंगे जी। नए कानून जो काले धन के खिलाफ इतने सख्त बनाए जा रहे हैं और किसी तरीके से बाहर इस देश, बाहर के देशों में अपना धन ना जाए। राजीव बब्बर साहब, लेकिन काला नया कानून जो बनाए जा रहे हैं वो काले धन को वापस लाने के बारे में बिल्कुल नहीं है, वो आइंदा काला धन वापस फॉरेन में आ जाए। आपको बिल्कुल ठीक बात है ना, तो आप जिस चीज के लिए कटिबद्ध है वही मैं कह रहा हूँ कि आपने पुराने किए हुए जो सरकार के कर्म है उनको भी धोना है और साथ में ये भी प्रिकॉशन लेनी है कि आगे से वैसा काम ना हो। तो सरकार की मंशा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है और आज की भी बात से मैं आपको फिर ऑफिशियली ये बात कह रहा हूँ, ना तो हमने 370 पे अपना स्टैंड बदला है, ना हमने राम मंदिर पे अपना स्टैंड बदला है। लेकिन आप एक चीज मानिए, संविधान देश का ये कहता है कि जब तक दो तिहाई बहुमत नहीं है आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो हमें संविधान का सम्मान, हम कोई केजरीवाल तो है नहीं जो संविधान को जो है वो ताक पे रख के कुछ भी बोल दे। लेकिन तो पहले आप ही लोगों का कहना था राजीव बब्बर साहब कि हमें बहुमत आएगा, मेजोरिटी मिलेगी तब हम करेंगे। बहुमत तो आ गया अब आपका, आपकी पूरी सरकार अब आपकी है, अब ये टेक्निकल मामला है। आप मुझे प्लीज आप उत्तर दीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि हमारे पास दो तिहाई बहुमत नहीं है, हम इसको कैसे बदले, आप बताइए। नहीं बदलेगा ना जी, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है। और इस बार जब हम चुनाव में गए थे हमने बात बहुत स्पष्ट रूप से राम मंदिर के वाले विषय में और ये जो धारा 370 वाला विषय है इसको बड़े बड़े सावधानी से बहुत स्पष्ट रखा था। जम्मू कश्मीर की जब सरकार बनी तब भी लोगों ने ये मुद्दा उठाया, तब भी हमने अपनी बात बहुत स्पष्ट तरीके से रखी और आज भी हमारा स्टैंड, हम कमिटेड है, हम आज एक अच्छी सरकार चला रहे हैं। 5 साल के बाद ये देश की जनता उस सरकार के कामों को देखकर हमें
दो तिहाई से ज्यादा बहुमत दे दें और हम इसको भी एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, हम अपना स्टैंड नहीं बदल रहे और विपक्षी दल इसमें हमारे साथ जुड़ गए तो हम इसी लोकसभा में इसको करके दिखा देंगे। इसमें जो चीज टेक्निकल है उसको मैं और आप नहीं बदल सकते, और अगर सच बोलना गलत है तो फिर हम कह सकते हैं कि अमित शाह ने गलत बोला है, जिन्होंने साफ बोला है सच बोला है, शायद कुछ लोग उसको गलत इंटरप्रेटेट कर रहे हैं। जी चलिए, अगली लोकसभा में देखा जाए, अगर आपके पास उस तरह से सीटें आती हैं तो फिर आपका स्टैंड क्या होता है? बहुत बहुत शुक्रिया राजीव बब्बर साहब फोन लाइन के जरिए हमारे प्रोग्राम में शामिल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सिराज नकवी साहब, राजीव बब्बर साहब पूरी तरह से डिफेंड कर रहे हैं, और क्या लगता है आपको, और अमित शाह साहब कहीं ना कहीं से यू टर्न तो ले रहे हैं, क्योंकि कभी ये नहीं कहा था चुनाव से पहले, तमाम अगर हम पिछले 20 साल से अगर हम ये बात करें कि जब भी राम मंदिर की बात होती तो कभी ये नहीं कहा कि 2/3 मेजोरिटी आवाम के सामने कभी ये कोट नहीं किया बीजेपी ने, कहा कि जब बहुमत से हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको इस मसले को हल करेंगे। अब बहुमत से सरकार बन गई तब ये टेक्निकल इशू क्या है, ये किस तरह का ये यू टर्न है तमाम इंपॉर्टेंट मसलों पर, कालाधन, आर्टिकल 370, राम मंदिर और बहुत सारे मामले हैं। देखिए, ये लोग जानते हैं कि इस तरह की चीजों पर बयान देने से काम नहीं चलने वाला है। जी जी, ये जो कुछ कहते हैं ये सिर्फ लोगों के अवाम के वोट हासिल करने के लिए कहते हैं, अवाम को पोलराइज करने के लिए कहते हैं। उसमें कामयाब हो गए, इस बार सरकार इन्होंने बना ली, अब ये बात कह रहे हैं। अब अगली मरतबा 370 आ जाएगी, 300 सीटें मिल जाएंगी तो ये कहेंगे कि साहब हमें तो स्टेट गवर्नमेंट में भी इतने 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो अब मामला वही है, ये तो नौमन तेल वाला मामला इन्होंने बना दिया है इसको। तो जाहिर है इनको करना कुछ नहीं है, इनको सिर्फ वादे करने हैं और उन्हीं वादों के सहारे काम चलाना है, क्योंकि इनका असल मकसद राम मंदिर या 370 या कॉमन सिविल कोड नहीं है। क्योंकि इनमें से बहुत से वादे ऐसे हैं जो अमलन मुमकिन नहीं है, मसलन 370 की बात छोड़िए आप, या उसकी राम मंदिर की, कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं। ये जी जी, खुद इतना कंट्राडिक्शन है इस इशू पर, पूरे मुल्क की जो हमारी तहजीब है और जो कल्चर है उसमें मामला सिर्फ ये नहीं कि माइनॉरिटीज के अलग वो है कोड, बल्कि खुद हिंदुओं, यानी मकसद ये है कि तमाम किसी न किसी तरह से हुकूमत में रहना है, हुकूमत बनानी है, समाज को पोलराइज करना है, इस तरह से ऐसे इशू उठाए जाए, न कि संजीदगी से किसी मसले को हल करना। आपके पास आते हैं, हम सिराज नकवी साहब फोन लाइन के जरिए हमारे साथ बातचीत में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर नासिर हुसैन साहब। डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, अभी राजीव बब्बर साहब बीजेपी के लीडर हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, जब मैंने यह सवाल किया कि अमित शाह साहब और आपकी पार्टी मुसलसल इंपॉर्टेंट इश्यूज पर यू टर्न ले रही है, काला धन के मामले पर उन्होंने कहा कि यह चुनावी जुमला था, राम मंदिर के इशू पर वो कह रहे हैं, और आर्टिकल 370 पर कि जब तक पूरा पूर्ण बहुमत यानी 2/3 मेजोरिटी 370 सीटों का नंबर उन्होंने बताया कि 370 सीटें जब तक बीजेपी को नहीं आ जाती हैं तब तक राम मंदिर और आर्टिकल 370 वगैरह के इशूज और या कॉमन सिविल कोड इन सबको हल नहीं किया जा सकता। ये मुसलसल यू टर्न का सिलसिला जो है इसे आप किस तौर पर देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 1-2 डिकेड से जिस तरह से सोसाइटी में डिवीजन लाना है, जिस तरह से सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करना है, वो क्रिएट करने की पूरी कोशिश की है। उसके साथ में पिछले चुनाव में, एक साल पहले जो चुनाव के पहले जितने भी वादे श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, और उसके साथ में जितने भी उनके फ्रंटलाइन लीडर्स थे, जो भी वादे वो कर रहे थे, आपको पता है कि एक साल का एनालिसिस के बाद में सारे के सारे इनके वादे पे यू टर्न रहा है। और जहां तक ये डिविजिव एजेंडा है, जहां पे आर्टिकल 370 की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, बाबरी मस्जिद की बात है, ये तमाम वादे जो है वो एक खास सेक्शन के लिए, जो मेजोरिटी कम्युनिटी में भी एक खास सेक्शन है उसको अपील करने की बड़ी इन्होंने कोशिश की। अब जब इनको मैंडेट मिल गया है, अब उनको पता है कि इस चीज को कर नहीं पाएंगे, नामुमकिन है, तो अभी ये कह रहे हैं 370 सीट चाहिए, जब हम जाके करेंगे, जब 370 सीट आएंगे तो फिर बोलेंगे स्टेट्स में हम लोगों को मैंडेट चाहिए, जब करेंगे। ये जिस तरह से जो है, अब जैसे नरेंद्र मोदी भी जैसे ही प्रधानमंत्री वो बोलेंगे, वो 10 साल की बात करने के लिए, ये लोगों को उम्मीद दिलाना, लोगों को पहले से ये बोलना कि ये 5 साल में ये बात नहीं हो सकती, मुझे 10 साल चाहिए, मुझे इस मैंडेट नहीं हो सकता, मुझे 3/4 मुझे हाउस में मैंडेट चाहिए, इस तरीके की वो बातें। लेकिन बीजेपी का, डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, बीजेपी का कहना कि ये टेक्निकल इश्यूज है, क्या उन्होंने जब उन्हीं मुझे से सवाल किया राजीव बब्बर साहब ने कि क्या बताइए, क्या इसके बगैर हो सकता है हल, क्या 2/3 मेजोरिटी के बगैर
कोई भी इंपॉर्टेंट मसला हल हो सकता है, उन्होंने आर्टिकल 370 की बात की और कॉमन सिविल कोड हो या फिर बाबरी मस्जिद के इशू की बात की, राम मंदिर के इशू की बात की, क्या तो जब वो कि ये तो टेक्निकल मामला है, बगैर इसके सारी दुनिया जानती है कि बगैर इसके हल नहीं हो सकता, तो इसमें हर्ज क्या है जब जब ये कहा, ये यू टर्न नहीं है बल्कि ये हकीकत है जो बयान किया अभी अमित शाह ने, ये उनका कहना है। देखिए जब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने आप को देश की नंबर वन पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं, तो उनको इतना भी इल्म होना चाहिए कि कौन सा वादा जनता से करना है, कौन सा वादा जनता से नहीं करना है, क्या लोगों के बीच में ले जाना है, क्या लोगों के बीच में नहीं ले जाना है, ये उतना उन लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि ये पार्टी ही अब फेमस हो गई है जुमलों की पार्टी है, ये कोई भी जुमला, चुनावी जुमला, कभी भी किसी भी और कोई भी जुमला बोल देंगे, कहीं भी कोई भी वादा कर देंगे, ये इनकी एक आदत बन गई। जहाँ दिल्ली स्टेट में केजरीवाल साहब कर रहे हैं, उनमें और इनमें मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर है, ये इस तरीके के वादे करते हैं। लेकिन मुझे कांग्रेसी होने के नाते, मुझे एक एजुकेटेड प्रोग्रेसिव लिबरल सेक्युलर आदमी होने के नाते, मुझे लगता मैं इस बात से खुश हूँ कि जो हम ये तमाम एजेंडे, चाहे टेक्निकल रीजन की वजह से या किसी और रीजन की वजह से हो, इस एजेंडा को लाया नहीं जा रहा, फिर देश में डिविजन नहीं किया जा रहा, इससे मुझे खुशी है जी। नहीं, क्या ये अगले 10 साल की जो बात करते हैं नरेंद्र मोदी साहब, क्या अगले 10 साल का एजेंडा है कि ये अब ये बोलना शुरू कर दिया है कि इन्होंने कि हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए तो तमाम मसले हल हो जाएंगे, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बातों से, इस तरह के वादों या इस तरह के नारों से अवाम फिर कुछ न कुछ अवाम पर असर पड़ेगा? नहीं देखिए, कुछ लोगों तो हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को या पूरी आवाम को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ऑलरेडी पिछले एक साल में इन्होंने क्या किया, क्या वादों पे इन्होंने खड़ा उतरे हैं, क्या वादे इन्होंने पूरे किए हैं, पूरे देश की जनता जानती है, इनका ग्राफ गिरना शुरू हुआ है, आपको पता है। लेकिन डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, बीजेपी के लोगों का यह भी कहना है कि अभी तो सिर्फ एक साल है, एक साल में बहुत ज्यादा काम क्या होता है, अभी तो हम पिछले गुनाह ही धो रहे थे अभी और अब काम शुरू होगा, अभी तो पेस पकड़ना शुरू किया है, अभी तो 4 साल बाकी है, जनता ने 5 साल के लिए चुना है, अब काम असल नजर में आएगा। अरे भाई आप कंपेयर कर लीजिए, जब UPA 1 आया था मनमोहन सिंह जी का, पहला साल का आप उठा के देख लीजिए, प्रोग्रेस का जब राजीव गांधी जी बने थे पहला साल उठा के देख लीजिए, जब नरसिम्हा राव बने थे पहला साल उठा के ले लीजिए, उसके कंपैरिजन में श्री नरेंद्र मोदी जी के एक साल में क्या उनके उपलब्धियां हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, आप देख लीजिए ना। हमेशा ये 100 दिन में मैं करूंगा तो बोले कि अभी 100 दिन हुए, 6 महीने हुए तो अभी 6 ही महीने हुए, साल हो गया तो अभी शादी हो गए, मतलब ये उम्मीद दिलाना इनका एक काम है, इनका एक तरीका है लोगों को बेवकूफ बनाने का, और बेवकूफ बनाते रहेंगे। मेरा एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मानने का है कि जो पहले साल में दुनिया में किसी भी देश की सरकार पहले साल में कम से कम अपने इरादे, अपने पॉलिसीज, अपने आइडियोलॉजिकल इंटेंशंस को एक डायरेक्शन देने की कोशिश करती है। मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ ये यूपीए की जो हमारी सरकार की जो पॉलिसीज थे उसका एक एक्सटेंशन है बस। जी, आपको एक्सटेंशन लगता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब। सिराज नकवी साहब, आपको क्या लगता है, क्या एक साल को उसी तौर पर लिया जाए जो बीजेपी कहती है कि अभी तो पिछले गुनाह ही हम धो रहे थे, पिछला जो हमें मिला था खजाना खाली मिला और तमाम तरह के घोटालों के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ा, अब जाकर हम अपनी पॉलिसी पर अमल पैरा होंगे और अगले 4 साल में वो तस्वीर नजर आएगी जो वादा उन्होंने किया है? नहीं नहीं, जाहिर है कि वो जो कुछ कह रहे हैं, अभी जो कह रहे थे नासिर साहब, वो बात सही है किसी हद तक कि यूपीए की पॉलिसियों को आगे बढ़ा रहे हैं और यूपीए को गालियां भी बक रहे हैं वो। मैं कोई यूपीए हुकूमत का तरफदार नहीं हूं, इसको का तर्जुमान नहीं हूं, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं कि इस सरकार ने कुछ ऐसा बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया जिसको हम यूपीए सरकार के कारनामों से अलग करके देख सकें। उनकी कुछ पॉलिसियां थी, उन्होंने कुछ चीजें तैयार की थी, कुछ उनके मंसूबे थे, उन मंसूबों को नाम बदल के इन्होंने आगे बढ़ा दिया। मसलन ये प्लानिंग कमीशन के बारे में बात की इन्होंने, इसका नाम बदलने के अलावा उसमें क्या हुआ है? जी, कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह की बहुत सी चीजें हैं। अभी बीजेपी के तर्जुमान ये कह रहे थे कि इस सरकार ने काले धन पर कानून बनाए हैं। मामला कानून का नहीं है खालिद साहब, इस मुल्क में कानूनों की पहले से कमी नहीं है, बल्कि इतने कानून हैं कि सरकार ने आके बहुत से कानून खत्म कर दिए। अब अगर 4 नए कानून बना लिए हैं ब्लैक मनी पर, तो कानून बनाने से काम नहीं चलता, काम चलता है आपकी नियत से, खुलूस नियत से। तो आपने कितना किसी मामले में पेशरफ्त की, कानून बनाना महज पेशरफ्त नहीं है, 1000 कानून बने हुए हैं। जो भी एक साल अगर बीजेपी कहे कि एक साल में अभी हम जो पॉलिसी है या जो पिछली हुकूमत के जो फैसला
फैसले थे या पिछली हुकूमत का जो काम था उसी को हम रिव्यू कर रहे थे और अब हमारी पॉलिसी रिफ्लेक्ट होगी और वो काम सही मानों में सतह पर नजर आएगा, इसका भी इंतजार कर लेते हैं। चूंकि सरकार को अवाम ने 5 साल के लिए चुना है, अभी 1 साल हुआ, 4 साल का वक्त बाकी है, लंबी मुद्दत है, लंबा वक्त है 4 साल का। देखते हैं कि 4 साल में वाकई वो हकीकत नजर आती है या नहीं। हमें लेना पड़ेगा एक ब्रेक, हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, आपका हम यहां पर शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेंगलोर से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। शुक्रिया खालिद साहब। सराज नकवी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है, ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे। दिल्ली असेंबली में आम आदमी पार्टी ने जो मरकजी सरकार की वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसको उसके खिलाफ कुछ उस कदम उठाने की कोशिश की है और यह कहा है कि किसी भी तरह से वो कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। क्या इस तरह के फैसलों से, इस तरह के टकराव से आईनी बहरान पैदा नहीं होगा? इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ चंद लीडरान भी गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे, फौरन हाजिर होते हैं। मन से सेवा की, निर्धन की सेवा की, बेटी को बचाए हो, बेटी को पढ़ाए, स्वच्छ भारत करके दिखाए, हर दिल की रखी बात है। ये तो बस शुरुआत है, भ्रष्टाचार बंद कराया, सरकार का साल एक शुरुआत ने। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है सीनियर सहाफी और सियासी तजयकार सिराज नकवी साहब और सिगमेंट में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के लीडर प्रबल प्रताप शाही साहब। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने मरकजी हुकूमत के नोटिफिकेशन के खिलाफ दिल्ली असेंबली में एक तजवीज पेश की है। अब दिल्ली के रुकने असेंबली इस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के खिलाफ असेंबली में तजवीज पास कर सकती है। मरकजी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करके यह साफ कर दिया है कि दिल्ली पुलिस और जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन वो दिल्ली सरकार की उसमें नहीं चलेगी। हालांकि इस मुद्दे पर सोमवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो मरकजी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। वजारत दाखिला की नोटिफिकेशन की मुखालफत में दिल्ली सरकार ने 26 और 27 मई को दिल्ली असेंबली का 2 दिन का स्पेशल सेशन भी बुलाया है। अपने पास रिजर्व पार्लियामेंट में दिल्ली की विधानसभा बनाई तो ये अपने पास रिजर्व नहीं रखते, या तो सीधे सीधे दिए या साझे जाने रखता, उसके बावजूद अतिक्रमण करके इस तरह के आदेश पारित करना, मुझे लगता है कि दिल्ली की इस शायद सबसे पॉपुलर मैंडेट के साथ आयोजित विधानसभा का अपमान है। आज मैं सदन के सामने ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि ये जो अधिसूचना है इसके ऊपर ये सदन चर्चा करे और ये सदन उस पर चर्चा करे, विचार करे कि इस असंवैधानिक तरीके से किए गए अतिक्रमण पर क्या ये सदन बैठा रहेगा।
दिल्ली असेंबली की खसूसी इजलास के पहले ही दिन हंगामा हो गया। बीजेपी के एमएलए ओपी शर्मा ने जब स्पीकर रामनिवास गोयल को लेफ्टिनेंट गवर्नर और बदनवानी मुखालिफ ब्यूरो के बारे में बोलने से रोका तो हंगामा मच गया। शर्मा ने स्पीकर से कहा कि अगर आप आम आदमी पार्टी के लीडर की तरह बोलना चाहते हैं तो स्पीकर की कुर्सी से नीचे आ जाइए। इस पर आम आदमी पार्टी ने एतराज जताया। हंगामे के बीच स्पीकर ने मार्शल को बुला लिया और ओपी शर्मा को सदन से बाहर निकलवा दिया, जिसके बाद बीजेपी ने असेंबली से वॉकआउट कर दिया। जो नोटिफिकेशन सरकार ने किया है, यदि इनको लगता है गलत है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट उसका फैसला करेगी, उसके अनुरूप काम करेंगे। और मेरा इसमें एक और कहना है, इसलिए क्या कि उस सदन के अंदर लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं गवर्नर के, मोदी जी के और लोगों के खिलाफ। हमने उनसे ये कहा कि आप इसको सुनकर इसको सदन की कार्रवाई से निकलवाइए। वो निकलवाने की बजाय उन बातों के ऊपर खुद ही बोलने लगे। तो मेरा उनसे ये निवेदन था कि आप स्पीकर हैं, आप मेंबर नहीं है। जी, हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब, और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं आम आदमी पार्टी के लीडर प्रबल प्रताप शाही साहब। प्रबल प्रताप शाही साहब, जिस तरह का टकराव सामने आ रहा है कि अब दिल्ली असेंबली में जो नोटिफिकेशन है होम मिनिस्ट्री का, उसके खिलाफ जो तजवीज पास की जा रही है और उस पर चर्चा हो रही है, क्या और जिस तरह से माहौल नजर आया हाउस के अंदर, क्या इससे एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा नहीं होगा? इस तरह के टकराव से कोई और रास्ता नहीं है इसके हल का? देखिए, जहां तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो जो इन्होंने नोटिफिकेशन जो इन्होंने निकाला था गृह मंत्रालय ने, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उसको ही एक आईना दिखा दिया हाईकोर्ट ने, दिल्ली माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने। उन्होंने कहा कि एसीबी को पुलिस पर, दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई करने का हक है, प्रथम चीज। जी जी, तो कल ही इन लोगों को जो नोटिफिकेशन निकाला तो उसी को ही उसको खारिज एक तरीके से हो चुका है। अगर देखा जाए कोर्ट की बात का, कोर्ट का ये डिसीजन आ चुका है। जी जी, दूसरी चीज है जो आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर चीजें हुई, तो ये बताए कि कोई भी सदस्य, कोई किसी भी पार्टी का हो, अध्यक्ष की गरिमा होती है, उसकी उसके पद की गरिमा होती है, उसकी सीट की गरिमा होती है, उसकी गरिमा उसको सीधे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और उनको तमाम असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया उन सदस्य द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं शर्मा जी, उनके द्वारा असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। जी जी, तो उन्होंने कोई ऐसा रास्ता तो बनाया ही नहीं, छोड़ा ही नहीं कि नहीं, लेकिन इसकी नौबत ही ना आती क्या दिल्ली हाईकोर्ट के? देखिए प्रबल प्रताप शाह, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या एलजी के साथ कुछ बैठकर बातचीत के जरिए इस मसले को आराम से कूलली हल नहीं किया जा सकता? देखिए, ये जितनी भी चीजें हुई हैं, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की जो सरकार है वो किसी भी लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के खिलाफ कितना तानाशाही रवैया अपना सकती है, नोटिफिकेशन पहला उसका उदाहरण है, पहली चीज ये। अब हमको जो मैंडेट मिला है वो दिल्ली की जनता ने दिया है। जी जी, संविधान में जनता सर्वोपरि होती है, मालिक होती है। जी, और जनता ने जो मैंडेट दिया वो हमको हमारे किए गए वादों के आधार पे किया है। जी जी, हम उसके नौकर हैं यानी सेवक हैं, हमारा कार्य है उस वादों को पूरा करना। जी, उस वादों को पूरा करने के लिए हमारे पास अपनी एक टीम होती, एक अफसर होंगे जिनसे जो ईमानदार होंगे, जो कर्मठ होंगे, उनकी नियुक्ति करने का हक उस व्यक्ति को होना जो मुख्यमंत्री है यहाँ के, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल। मैं एग्जांपल से बताऊं कि आपकी कंपनी है, सपोज करिए आपका मीडिया ग्रुप है, मीडिया ग्रुप में एक सीईओ लगे, सीईओ होगा और एक आप हैं और एक आपके ओनर हो। ओनर अगर आपसे कहें कि आप सीईओ की बात ही न मानिए और सीईओ को कहें कि आप किसी की नियुक्ति नहीं करते, आप अपनी टीम नहीं बना सकते, तो ऑब्वियस है कि जो काम होगा काम गड़बड़ हो जाएगा। जी जी, तो जिस तरीके से ये लोग काम करना चाह रहे हैं, काम करवाना चाह रहे हैं, उस तरीके से नहीं होता है। एलजी साहब पिछले 7 महीने पहले जो इनके पास 8 महीने पहले जो पावर थी, जो कुमारी है, उस कुमारी से नहीं निकल रहे हैं, वो अपनी जो अपने तरीके से वो राज्य को चलाना चाह रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है प्रबल प्रताप शाही साहब, ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली की जनता, दिल्ली की आवाम इन सब से परेशान हो रही है कि ये किस तरह की सियासत हो रही है कि दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच किस तरह की खींचतान चल रही है। वाकई एक जर्नलिस्ट होने के नाते जब हम लोगों से बात करते हैं तो यही परसेप्शन बन रहा है कि ये हो क्या रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लगातार काम हो रहे हैं,
समझ रहे हैं, लगातार काम हो रहे हैं। तमाम जगहों पे जाइए, बिजली पानी के इशू पे वो सारी चीजें देखिए, करप्शन वाले इशू पे देखिए, वहां कार्य हो रहे हैं। तमाम जगह कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हुए, नाले का निर्माण शुरू हुआ, कहीं रोड्स के निर्माण हो रहे हैं, कहीं पाइपलाइन बिछ रही है, ये सारे सारे कार्य, राशन कार्ड बन रहा है, कहीं पे ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, कहां पे काम रुका हुआ है, काम काम तो चलिए चलिए ये मान लेते हैं कि काम हो रहा है, काम रुका हो जी प्रबल प्रताप शाही साहब, काम हो रहा है, लेकिन जो इम्प्रेशन जा रहा है, जो जो खींचतान हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं से जहनी तौर पर जनता को परेशान करती है, आवाम को। आपके पास आते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब। सिराज नकवी साहब, जो दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होता आया है पिछले 100 दिनों में, हम कह लें कि जिस तरह की खींचतान एलजी सीएम और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान देखने को मिली है, क्या लगता है इससे आवाम वाकई परेशान है? एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं बता रहा हूं, जब लोगों से बात करते हैं, काम जरूर हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जैसा कि प्रबल प्रताप शाही साहब कर रहे हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि आवाम जहनी तौर पर परेशान है इस खींचतान से। ये क्या आवाम ही परेशान हो रही है, क्या इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस भी पैदा नहीं हो रहा है इस तरह की खींचतान से? नहीं देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस तरह के टकराव जो है आवाम को परेशान करते हैं और उनकी आवाम के दरमियान सरकार की इमेज पर भी असर पड़ता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि इस ये जो कुछ सारा मामला चल रहा है, इसके लिए केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम है और एलजी ज्यादा बड़ी हद तक जिम्मेदार है, इसलिए कि उन्होंने इस इशू को जिस तरह से उठाया और इस तरह से अख्तियारात को चैलेंज किया रियासती सरकार की, उसका कोई आईनी जवाब नहीं है। कई आईनी माहिरीन ये बात कह चुके हैं कि जिस तरह का रवैया एलजी ने अपनाया है वो बहुत मुनासिब नहीं था। उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन को भी देखिए, एक बात समझिए कि मरकजी सरकार को जो मैंडेट मिला है वो मरकज की हुकूमत चलाने के लिए मिला है, लेकिन मरकजी सरकार किसी भी रियासती सरकार के मैंडेट को चैलेंज नहीं कर सकती और उसको अपनी उंगलियों के इशारों पर नहीं चला सकती। इसी तरह से नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसका कोई मेरे नजदीक आईनी जवाब नहीं है और इस तरह के नोटिफिकेशन से किसी मुंतखब सरकार को उसके अख्तियारात को चेंज नहीं किया जा सकता। जो अख्तियार है वो अपने दायरे अख्तियार में रहे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस तरह का मैंडेट मिला है और उनके पास जितने अख्तियारात हैं वो अपने दायरे में रहें और जो स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली की, उसको जो मैंडेट मिला है वो अपने अख्तियार में रहें, दायरे अख्तियार में, तो किस कहीं भी इस तरह का टकराव नहीं होगा। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और समझ कर इकदाम करने की कोशिश करें तो ऐसे टकराव नहीं होंगे, इसको अवॉइड करने की जरूरत है, वरना कहीं ना कहीं से आवाम जहनी तौर पर परेशान हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी पैदा होगा। हम गुफ्तगू को बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वक्त की कमी है, हमें प्रोग्राम यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। प्रबल प्रताप शाही साहब फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सैयद नकवी साहब आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हाजरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हाजरा में अभी बस इतना ही, आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylife.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।